स्क्रीन सेवर क्या होता है? स्क्रीन सेवर जब आपका कंप्यूटर पे आप कुछ भी करते नहीं हो ना, कोई भी वर्किंग नहीं करते फ्यू मिनट्स के लिए, तो कुछ बबल से या कुछ ऐसा सेट होता है कि आने पॉपअप होने लगता है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन सेवर। ठीक है, वो आपकी स्क्रीन का जो एक पोटेंशियल होता है वो सेव करता है, लाइटिंग और सारी चीजें सेव करके सेव मोड पे रखता है। एनर्जी जैसे हम लोग अपनी सेव करते हैं ना, ऐसे कंप्यूटर भी अपनी एनर्जी सेव करता है। समझ में आ रहा है? ओके, सो आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर लैब्स में होता है स्क्रीन सेवर, होता है हाँ। तो आप जैसे ही उसको आप कंप्यूटर लैब में एंटर करते हो, दूसरी क्लास एंटर करती है, तो स्क्रीन सेवर पॉपअप हो रहा होता है, क्योंकि वो फ्यू मिनट्स के लिए खाली छूटा होता है कंप्यूटर, है ना। जब तक एक क्लास जाती है दूसरी क्लास आती है, ऐसा होता है ना। तो आप देख पाते हो कि कंप्यूटर पे कुछ बबल्स या फिर विंडो 7 लिखा हुआ, ऐसे गोल 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 कुछ डिजाइंस बनते हुए दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन सेवर। आया समझ में आपको? ठीक है, ओके। मैं आपको अब वॉलपेपर सेट करना बताऊं कैसे करते हैं हम लोग। ओके मैम, ठीक है, ओके। आराध्या, मिशिका, बता देना कि यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन और नॉट। ओके, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस। नो मैम, मैम नाउ आई कैन। दोनों को दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। आराध्या एंड मिशिका? यस। Okay, so this is my screen. Okay, now what I want to do is मुझे इसका wallpaper change करना है, ठीक है, क्योंकि हम Windows 7 पे सीख रहे हैं, working on Windows 7, तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, wallpaper set करना। Okay, तो सबसे पहले मैं wallpaper change करना बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है, जैसे ये जो आप देख पा रहे हो पिंक कलर की, ये मैंने सेट किया हुआ है wallpaper। Wallpaper पता है आप दोनों को क्या होता है? Yes, गुड। तो ये बैकग्राउंड जो हम सेट करते हैं हमारे डेस्कटॉप का, स्क्रीन का, इसे बोलते हैं वॉलपेपर, सबसे पहली चीज, ठीक है। सेकेंड, हम इसे कैसे सेट करते हैं, हम खाली स्क्रीन पे, जहाँ पे खाली है, किसी फोल्डर फाइल पे क्लिक नहीं करना है। सबसे पहली चीज, हमें फाइल और फोल्डर पे क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले यू विल बी क्लिकिंग ऑन द स्क्रीन, राइट क्लिक, कौन सा क्लिक करोगे? Right. उसके बाद आप जाओगे पर्सनलाइज ऑप्शन पे, इस पे जाओगे पर्सनलाइज, यस, पर्सनलाइज ऑप्शन पे आप जाएंगे तो एक विंडो खुलेगा, दिस लोडिंग, है ना। पर ये मुझे कह रहा है कि यू आर स्क्रीन शेयरिंग, तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो वॉलपेपर आई गेस सेट नहीं हो पा रहा, because I am sharing this screen with you, okay? Wallpaper मतलब, yeah. So ma'am, when you will do this, you can make a video from your phone and share it with both. Yeah, I will do that. See, आ गया screen. मैं आपको basic steps बता देती हूँ, ठीक है? आप इस पे जाके background पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? Background. बैकग्राउंड पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स, आप बोल रहे थे ना आप चूज कहाँ से कर सकते हो, आप कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। एक्चुअली अभी मेरा हो नहीं रहा बिकॉज ऑफ ये हमारा स्क्रीन शेयर है ना, बाकी ये जो विंडो है ना, यहाँ पे पर्सनलाइजेशन पे राइट क्लिक करके हम गए, उसके बाद बैकग्राउंड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो ये हमें बहुत सारे ये पिक्चर दिखा रहा है, दिखा रहा है सेट करने के लिए बैकग्राउंड। मैं ये इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रही क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्क्रीन शेयर पे है, ठीक है। सो यू कैन सेट लाइक दिस, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें आप लॉक स्क्रीन भी कर सकते हो। लॉक स्क्रीन क्या होता है? द स्टार्टिंग स्क्रीन व्हेन यू डोंट ओपन योर पीसी। यस, जब आप स्क्रीन स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, क्या होता है, एक विंडो ओपन होती है, विंडो ओपन होती है, पासवर्ड मांगता है हमसे, सो दैट इज कॉल्ड लॉक स्क्रीन। ओके,
यस मैम, समझ में आ रहा है? वो जो लॉक जहाँ पे हमसे पासवर्ड मांगा जाता है स्टार्टिंग में, जो स्क्रीन खुलता है वो आप सेट कर सकते हो, अपनी पिक्चर सेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स का लैपटॉप है तो आप अपनी पिक्चर स्टार्टिंग में सेट कर सकते हो लॉक स्क्रीन में. ओके, क्लियर? यस मैम. एंड इसमें कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, थीम्स का ऑप्शन भी है, आप उसमें लिख भी सकते हो फॉन्ट, काफी सारी चीजें कर सकते हो. आर यू गेटिंग? यस मैम. समझ में आया? यस. ओके, और क्या कर सकते हैं हम इसपे? फाइल फोल्डर बनाना आता है आपको? फोल्डर बनाना आता है? विंडोज की बात हो रही है तो फोल्डर बनाना तो आना चाहिए आपको. कैसे बनाते हैं देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये स्क्रीन है, ये मेरे बहुत सारे फोल्डर रखे हैं. सी, ऑगस्ट नोट्स, मम्मी डेटा, ये सारे क्या है? फोल्डर्स है. और ये फाइल है जिसमें W लिखा है, ये फाइल है. ओके, ये PDF लिखा है, ये फाइल है. बेसिकली फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस होता है आप लोग बता सकते हो मुझे? फाइल में डॉक्यूमेंट होता है और फोल्डर में आप कुछ भी डाल सकते हो. जैसे आप ये देख सकते हो, ये कंटेनर है. क्या है ये? कंटेनर है, ठीक है. इस कंटेनर में बहुत सारे मैंने पेबल्स डाले हुए हैं. सी, बहुत सारे पेबल्स हैं, स्टोन्स, ठीक है. तो ये आपका जो कंटेनर है ये हो गया फोल्डर. क्या हो गया? ये फोल्डर. और ये जो मैंने इसमें पेबल स्टोन्स डाले ये आपकी हो गई फाइल. अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, अलग अलग कलर्स के हैं. सी, कैन यू सी दिस? सो दिस इज कॉल्ड फाइल. आप एक कंटेनर में फाइल को रखते हैं, एक डब्बा है उसमें फाइल को आप रखते हैं, ठीक है. फोल्डर इज अ कंटेनर जिसमें आप क्या स्टोर करते हो? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, ठीक है. और फाइल्स क्या होता है? जिसमें आप कोई ना कोई चीज डॉक्यूमेंट बनाते हैं. Yes, बेटा, मिशिका. आपके नेटवर्क के बाज ये रेड दिखा रहा है. क्या बता रहा है? नेटवर्क के बाज आपके रेड दिखा रहा है, आपका नेट सही नहीं चल रहा है, आई गेस. ओके, नेट तो सही है, इट इज गुड. ओके, सो मिशिका मैं आपको फोल्डर बनाना बता रही थी. सी, फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन द स्क्रीन, अगेन राइट क्लिक, यू हैव टू गो ऑन राइट क्लिक. आपको राइट क्लिक ही करना है स्क्रीन पे. ओके, देन आपको जाना है न्यू पे. आर यू गेटिंग? ये ऑप्शन दिख रहा है आपको न्यू? अब जैसे ही मैंने न्यू पे मतलब जस्ट स्क्रॉल किया है, मतलब मैं एरो लेके आई हूँ तो एक ही न्यू खुल गया, ये एक और नया विंडो नहीं बोलेंगे इसे, पॉपअप ऑप्शन खुल गए बहुत सारे. इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है फोल्डर का. When you will click on it, आपको see, आपको ये new folder आ गया. अब इसमें for example मैं नाम रखती हूँ class 5th. आप दोनों class 5th में हो ना? class 5th. मैंने class 5th नाम डाला इसका. class 5th new. So this is my folder. अब ये नाम हो गया. You can change the name. मैंने आपको change करके दिखाया नाम. How you can rename it. और अगर इन केस आप सेट कर चुके हो नाम, फॉर एग्जाम्पल क्लास 5th न्यू से आपको चेंज करना है, ठीक है, आप इसमें फिर से राइट क्लिक करोगे स्क्रीन पे, देन यू विल गो टू रीनेम ऑप्शन. आपको दिख रहा है रीनेम ऑप्शन? यस. जब आप रीनेम पे जाओगे तो सी, वो फिर से आपसे नाम पूछने लग गया कि आपको क्या देना है. ओके, इज इट फाइन? जैसे मैं इसको फिर से नाम देती हूँ 02 Hero Academy. सो दिस इज अ न्यू नेम आई हैव गिवन. आपको रीनेम करना बता दिया, फोल्डर को कैसे रीनेम कर सकते हैं. दिस इज अ फोल्डर, ऐसे आप फोल्डर बना सकते हो, इसके अंदर कोई भी फाइल रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये मेरी इमेज है, आप देख रहे हो मैन वर्सेस मशीन, ये मेरा इमेज है तो ये भी एक फाइल है, एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है ना. तो इसको मैं कैसे शिफ्ट करूंगी, इसको मैं कैसे फोल्डर अपने फोल्डर के अंदर डाल सकती हूँ, आपको पता है कैसे डाल सकते हैं?
कोई बता सकता है? लॉक प्रेस करके उसको ड्रैग करके फोल्डर पे डालना। वेरी गुड। फर्स्ट वे इज यू कैन ड्रैग इट एंड ड्रॉप इनटू योर फोल्डर। ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हो फर्स्ट वे, ठीक है? जैसे मिशिका ने हमें बताया, इसको ड्रैग करूंगी मैं और इसके अंदर शिफ्ट कर दूंगी। ये हो गया, वहां से गायब हो गया। ये कहाँ चला गया? हमारे जीरो टू हीरो के अंदर चला गया, एकेडमी के अंदर। सी, ये रहा, यही मैंने शिफ्ट किया था। यस मैम। सो दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड वे क्या है? अगर इन केस मुझे ये नहीं, ये इमेज को ट्रांसफर करना है, ओके? इस पे इमेज को ट्रांसफर करना है और मुझे यहाँ से हटानी भी नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पे भी लाना है इसके अंदर, तो क्या कर सकते हैं हम? मुझे यहाँ से हटाना नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू रिमूव फ्रॉम माई स्क्रीन। सी वॉट वी कैन डू इज यू विल राइट क्लिक ऑन इट, ठीक है? इसमें कॉपी का ऑप्शन आता है, यू कैन आइदर राइट क्लिक एंड डू कॉपी या फिर कंट्रोल प्लस सी की दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यू विल गो टू जीरो टू हीरो अकेडमी, इस फोल्डर में आप जाओगे, देन यू विल बी प्रेसिंग, या तो आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, दिस इज द फर्स्ट वे, या फिर आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस करो, वी पेन वाला। मैम अगर अपन वहां पे कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो उसे ये कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को कि अपन को कौन सी वाली फाइल इधर से उधर करनी है? ओके ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आराध्या, वेरी गुड। सी जैसे मुझे ये करना है शिफ्ट, ठीक है? ठीक है, सो फर्स्ट आई विल क्लिक ऑन इट, मैं इस पे क्लिक करूंगी, डबल क्लिक नहीं करूंगी, सिंगल क्लिक। मैम विच क्लिक, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक? राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक नहीं करना, आपको सिंगल क्लिक करना है। आप सिंगल क्लिक करते हो? आप अच्छे, ठीक है, आप राइट क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा ड्रॉप डाउन ऑप्शन, है ना? लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, तो आप लेफ्ट क्लिक कर सकते हो, ठीक है? और माउस यूज कर रहे हो तो लेफ्ट क्लिक, और अगर आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो तो मिडिल स्क्रॉलिंग जहां पे आप करते हो ना, रहता है स्पेस, वहां पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है? सो आप इसको जैसे क्लिक करोगे, सी आपको डिफरेंशिएट दिख रहा है, ये सिलेक्ट है। अब आप इसको कंट्रोल प्लस सी प्रेस करोगे तो ये हो गया कॉपी। अब मैं इसके अंदर जाके फिर से कॉपी कर दूंगी इसको, कंट्रोल प्लस वी, बट इट इज आस्किंग मी डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस द डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैं पहले कॉपी कर चुकी हूँ, है ना? तो वो मुझसे पूछेगा क्या आप दोबारा रिप्लेस करना चाहते हो? ओके, यस, तो ये दोबारा से रिप्लेस हो गया। सो दिस इज हाउ वी विल डू। मैम, सो अ व्हाइल बिफोर आई मेड अ फोल्डर, सो कैन आई शेयर स्क्रीन? यू मेड अ फोल्डर? या अभी बनाया? ऑन माय आईओएस लैपटॉप। अभी बनाया आपने? वीक्स अगो। ओके, अभी एक काम करो, आप दोनों लैपटॉप पे कर रहे हो? यस मैम। अभी एक फोल्डर न्यू बनाओ जीरो टू हीरो एकेडमी, अपने अपने उस पे डेस्कटॉप पे जल्दी से, फिर आप मुझे स्क्रीन शेयर करोगे, ओके? जल्दी से जीरो टू हीरो नाम से एक फोल्डर बनाओ, दिस इज योर टास्क फॉर टुडे। ये क्या हुआ? मैम, या यस बेटा, यस यस, अरे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बेटा, आई डोंट